नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 27 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में जल संकट की कोई समस्या नहीं। बिहार के सरकारी अस्पतालों की होगी औचक जांच। बिहार के 19 जिलों में लू को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बिहार के पहले इथेनॉल प्लांट मक्के के रकबे को देंगे विस्तार। राशन कार्ड धारक जल्द ही करवा ले ये काम, वरना रुक जाएगा राशन। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में जल संकट की कोई समस्या नहीं। बिहार में भीषण गर्मी पड़ने के बाद से इस बार जल संकट की स्थिति नहीं है, न ही बिहार के किसी भी जिले में ऐसी स्थिति बनती दिख रही है। बिहार के पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान ने बीते दिन ये बताया कि सरकार पूरे पंचायत पर नजर रख रही है। राज्य के पहाड़ी इलाकों में भी फिलहाल स्थिति बेहतर है। जल स्तर की शिकायत के लिए मंत्रालय की तरफ से विशेष टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। पानी की समस्या होने पर जनता 1800123111 नंबर पर शिकायत कर सकती है। मंत्री ने 24 घंटे के भीतर इसके समाधान का भरोसा दिया है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे अरविंद श्रीवास्तव की। अरविंद श्रीवास्तव मधेपुरा बिहार से हिंदी के कवि एवं लेखक हैं। वो संपादन, रेखांकन और अभिनय प्रसारण जैसे कई विधाओं से जुड़े हुए हैं। मुद्रित पत्रिकाओं के साथ साथ वो वेब पत्रिकाओं में भी सक्रिय रूप से प्रकाशित होते रहे हैं। इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद उन्होंने मधेपुरा जिला का ऐतिहासिक सर्वेक्षण विषय पर शोध कार्य किया है। हिंदी, उर्दू और मैथिली तीनों भाषाओं में सक्रिय वो स्तंभ लेखन, संपादन और संयोजन और क्षेत्रीय फिल्मों में अभिनय से भी जुड़े हुए हैं। कारखाना का संयोजन उनकी एक विशेष उपलब्धि थी। इस समय वो वेब दैनिक कोसी खबर, अपनी माटी एवं जनशब्द का संपादन भी कर रहे हैं। बिहार के इस आईएएस अधिकारी को जल्द ही मिलेगा सीएम पुरस्कार। बिहार के कई अधिकारियों को केंद्रीय स्तर पर अब तक सम्मानित किया जा चुका है। इसी बीच बिहार के एक आईएएस अधिकारी को सीएम पुरस्कार मिलने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार समस्तीपुर के रहने वाले 2014 बैच के आईएएस संतोष कुमार पिछले 2 सालों से स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के सचिव और परीक्षा नियंत्रक है और उनके निर्देशन में बोर्ड ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और बोर्ड का नाम पूरे देश में रोशन किया है। अरुणाचल सरकार द्वारा उन्हें लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु मुख्यमंत्री पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि साल 2020 के फरवरी में एलडीसी की परीक्षा में बोर्ड पर धांधली का आरोप लगा था, जिसके बाद ही उन्हें निरस्त कर दिया गया था। उसी घोटाले के बाद अरुणाचल सरकार ने ईमानदार एवं तेज तर्रार आईएएस अधिकारी संतोष कुमार को सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक का संयुक्त कार्यभार सौंपा था। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने निकाली रिक्तियां। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जूनियर तकनीकी सहायक, कनिष्ठ गुणवत्ता नियंत्रण विश्लेषक के कुल मिलाकर 6 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास 45% अंकों के साथ मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिटर ट्रेड में आईटीआई के साथ मैट्रिक या 50% अंकों के साथ भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ विज्ञान में स्नातक और 1 साल काम करना अनुभव होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 12 मई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.iocl.com पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। बिहार के सरकारी अस्पतालों की होगी औचक जांच। बिहार के सभी सरकारी अस्पतालों की अब औचक जांच होने वाली है। इस बाबत अब कार्यक्रम पदाधिकारी जल्द ही सभी जिलों में औचक निरीक्षण पर निकलने वाले हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इन अधिकारियों को मेडिकल कॉलेज, अस्पताल से लेकर प्रखंड स्तर तक के स्वास्थ्य केंद्र, उपकेंद्र वगैरह का निरीक्षण कर देखना होगा कि मरीजों को समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है अथवा नहीं। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ज्ञान भवन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के साथ प्रदेश स्तर की योजना मासिक समीक्षा बैठक बुलाई गई थी, जिसमें ही ये निर्णय लिया गया है। राजगीर पहुंची नीतू चंद्रा, गरम मसाला, नो प्रॉब्लम, अपार्टमेंट जैसे सफल बॉलीवुड मूवी में अपना अदाकारी निभा चुकी और जलवा दिखा चुकी बॉलीवुड की अभिनेत्री नीतू चंद्रा बीते दिन राजगीर पहुंची, जहां उन्होंने नेचर सफारी, जू सफारी, स्काई वॉक का भ्रमण कर प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठाया। इस मौके पर ही उन्होंने कहा कि जहां तक मैंने राजगीर का प्राकृतिक नजारे को देखा है, ये जगह आने वाले दिनों में डिज्नीलैंड से कम नहीं होगी। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ये जगह फिल्म शूटिंग के लिए बहुत बेहतर है। इस दौरान ही मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि हमारा भी प्रोडक्शन हाउस है, बिहार के ऊपर बनने वाली फिल्मों की शूटिंग हम यहीं करेंगे। आपको बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू चंद्रा इन दिनों बिहार के दौरे पर है।
2200 होमगार्ड की बहाली जल्द। बिहार में बड़े पैमाने पर होमगार्ड के जवानों की बहाली हो रही है। पटना के गृह रक्षकों की बहाली बड़े पैमाने पर होने वाली है। इसको लेकर पटना जिलाधिकारी कार्यालय, जिलाधिकारी पटना डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, पटना SSP मानवजीत सिंह ढिल्लों की तरफ से गृह रक्षकों की बहाली को लेकर समाहरणालय सभागार में बैठक कर निर्णय लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ये बहाली प्रक्रिया आगामी 6 मई को आयोजित की जाएगी, जिसकी तैयारियों को लेकर सभी बिंदुओं पर चर्चा बैठक में ही की गई है। बताते चले कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी के केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान शारीरिक जांच भीता में शुरू होगा। रोहतास के गुप्तेश्वर धाम गुफा में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार के प्राचीन शिवलिंगों में शुमार रोहतास जिले के गुप्तेश्वर धाम गुफा स्थित शिवलिंग की महिमा का बखान आदिकाल से होता आ रहा है। इस गुप्ता धाम के संबंध में वंदित है कि कैलाश पर्वत पर मां पार्वती के साथ विराजमान भगवान शिव ने जब भस्मासुर की तपस्या से खुश होकर उसे किसी के सिर पर हाथ रखते ही भस्म करने की शक्ति का वरदान दिया था। भस्मासुर शिव से मिले, वरदान की परीक्षा लेने उन्हीं के सिर पर हाथ रखने के लिए दौड़े थे। वहां से भागकर भोले यहीं की गुफा के गुप्त स्थान में छुपे थे। भगवान शिव के इस विवशता को देख भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण कर भस्मासुर का नाश किया था। हालांकि गुप्ता धाम गुफा की प्राचीनता के बारे में कोई प्रमाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसकी बनावट को देखकर पुरातत्वविद अब तक ये तय नहीं कर पाए हैं कि ये गुफा मानव निर्मित है या प्राकृतिक। गुफा में गहन अंधेरा होता है, बिना कृत्रिम प्रकाश के भीतर जाना संभव नहीं है। बढ़ती गर्मी को लेकर शिक्षा मंत्री ने स्कूल बंद करने के दिए संकेत। बिहार में गर्मी का सितम जारी है। लगातार बह रही हीट वेव ने सभी की परेशानी बढ़ा दी है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग काफी अलर्ट है। विभाग गर्मी की स्थिति पर नजर बनाए हुए है, साथ ही बच्चे प्रभावित ना हो इस पर भी ध्यान दिया गया है। इसी बीच बढ़ती गर्मी को लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद नहीं है कि विद्यालय को बंद किया जाए, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य और भविष्य से हम समझौता भी नहीं कर सकते। पूरे बिहार में हीट वेव के कारण स्कूली बच्चों को परेशानी हो रही है। ऐसे में जो जरूरी होगा उसके हिसाब से सरकार आगे फैसला लेगी। 5 से 12 साल के बच्चों को भी लगेगा कोरोना टीका। भारत के औषधि महानियंत्रक DGCI ने 6 से 12 साल के आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोरोना रोधी टीके कोवैक्सीन और 5 से 12 साल के आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोर्बोवैक्स टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को ये जानकारी दी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की कोरोना वैश्विक महामारी पर गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के बाद DGCI ने इसके इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि SEC ने 5 से 12 साल की आयु के बच्चों के वास्ते बायोलॉजिकल ई के COVID-19 रोधी टीके कोर्बोवैक्स और 6 से 12 साल की आयु के बच्चों के लिए कोवैक्सीन टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी देने की पिछले सप्ताह सिफारिश की थी। STET अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। बीते दिन राजधानी पटना में STET अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 7वें चरण में की गई शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में देरी होने से नाराज CTET अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का आवास का घेराव करने निकले थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें सचिवालय के पास ही रोक दिया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि बिहार में फिलहाल 6ठे चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया का स्केड्यूल जारी किया गया है। 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर फिलहाल सरकार इस बात का इंतजार कर रही है कि 6ठे चरण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। कोर्ट की तरफ से आदेश देने के बाद एक बार फिर से स्केड्यूल जारी करना पड़ा है। ऐसे में 7वें चरण के नियोजन प्रक्रिया का इंतजार कर रही CTET अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब देने लगा है। बिहार के 19 जिलों में लू को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बिहार में इन दिनों भीषण गर्मी की मार है। इसी बीच 19 जिले ऐसे हैं जहां पर लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पटना, भोजपुर और बक्सर सहित 19 जिलों में लू चलने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग की माने तो तापमान 40 डिग्री से अधिक जाने के आसार है। मौसम विभाग का ये भी कहना है कि राज्य में गर्म पश्चिमी हवा का प्रवाह तेजी से हो रहा है और कई जिलों में हवा की रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है, जिसके प्रभाव से अगले 48 घंटे तक मौसम शुष्क बना रहेगा। पटना, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, गया, अरवल, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, भागलपुर, बांका, जहानाबाद, जमुई, खगड़िया और मुंगेर में गर्मी और तेज गर्म हवा का प्रवाह अगले 3 दिनों तक जारी रहने वाला है। बिहार में जल्द ही होगा कैबिनेट का विस्तार। बिहार में जल्द ही कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। इसके संकेत बिहार के उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बड़ा बयान देते हुए दिया है। इस बाबत उन्होंने कहा कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार की संभावना है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व को सारा कुछ बता दिया गया है, बहुत जल्द केंद्रीय नेतृत्व हमारा फैसला लेगा।
सीएम नीतीश कुमार को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्हें केंद्र में भेजा जा सकता है। हालांकि बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर कोई बयान तो नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मुकेश सहनी के एनडीए से हट जाने के बाद बिहार कैबिनेट का विस्तार जरूरी है। इस वक्त पशुपालन एवं मत्स्य विभाग का कार्यभार तारकिशोर प्रसाद के पास ही है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं प्रबल है। बिहार में यहां जल्द ही होगा नए पार्कों का निर्माण। बिहार में जल्द ही नए पार्कों का निर्माण होने वाला है, जो कि बिहार की राजधानी पटना में होगा। यानी कि अब आने वाले समय में बिहार में लोगों को सैर सपाटा करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लोग अब हर सुबह पार्क में टहल सकेंगे, व्यायाम कर सकेंगे, बच्चे खेल पाएंगे। दरअसल शहर में 26 नए पार्कों का निर्माण कार्य चल रहा है। इन पार्कों का निर्माण अंतिम चरण में चल रहा है। बता दें, मोहल्लों में पार्क बनने से स्थानीय लोग खासा लाभान्वित होंगे। इन पार्कों का निर्माण पटना वन प्रमंडल के स्तर पर करवाया जा रहा है। अगले 2 हफ्ते में पार्क के पूरी तरह बनकर तैयार हो जाने की संभावना है। बिहार संग्रहालय समिति की नवगठित शासी निकाय की हुई पहली बैठक। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प में बिहार संग्रहालय समिति की नवगठित शासी निकाय की पहली बैठक संपन्न हो गई। बिहार म्यूजियम के महानिदेशक अंजनी कुमार ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से शासी निकाय के विभिन्न एजेंडों के विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2020-21 के वार्षिक प्रतिवेदन में बिहार म्यूजियम से संबंधित प्रमुख बातें, संग्रहालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम, प्रकाशन, दर्शकों के भ्रमण एवं वित्तीय लेखा से संबंधित जानकारी दी। बैठक में इस वित्तीय वर्ष के बजट का भी अनुमोदन किया गया। बैठक में ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को बिहार म्यूजियम संग्रहालय का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। पीएम मोदी को बिहार के कोरोना हालातों का देंगे ब्यौरा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पीएम मोदी को बिहार के कोरोना के माहौल की जानकारी देने वाले हैं। इसको लेकर बीते दिन ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दिल्ली पहुंच गए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के साथ कोरोना के बढ़ते मामलों पर बैठक करेंगे। इस दौरान जब एक मीडियाकर्मी ने मंगल पांडे से बात की तो उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सभी अस्पतालों को अलर्ट रखा गया है। सभी अस्पतालों में कोविड की दवाइयां और ऑक्सीजन उपलब्ध है। बिहार में घबराने की फिलहाल जरूरत नहीं है। राशन कार्ड धारक जल्द ही करवा ली ये काम, वरना रुक जाएगा राशन। कोरोना काल के दौरान वो लोग जो रोज कमाते थे उसके बाद उनका घर चलता था, ऐसे में ये राशन कार्ड लोगों के लिए एक वरदान की तरह काम करते देखा गया। बता दें कि बाद के दिनों में भी सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वो भी इसका लाभ ले सकते हैं। ऐसे में अब राशन कार्ड को लेकर एक बार फिर से अपडेट जारी किया गया है, जिसके तहत ये कहा गया है कि राशन कार्ड को अब अपने आधार कार्ड से जरूर जोड़ लें, जिससे कि आने वाले दिनों में आपको ज्यादा परेशानी ना हो। जारी अपडेट के अनुसार ये कहा गया था कि 31 मार्च को डेडलाइन तय कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से एक नया अपडेट जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 30 जून तक आप अपने आधार को राशन कार्ड से लिंक करवा लें, जिससे कि आने वाले दिनों में राशन लेने में किसी तरीके की परेशानी ना हो। बिहार के पहले इथेनॉल प्लांट मक्के के रकबे को देगा विस्तार। बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट बनकर तैयार हो गया है, जिसके बाद यह उम्मीद है कि 30 अप्रैल से उत्पादन का काम भी शुरू हो जाएगा। ये प्लांट सीमांचल के मक्के के किसानों के लिए बड़ी सौगात होगी। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार मक्का और ब्रोकन राइस से इस प्लांट में एथेनॉल का उत्पादन होगा। इसमें रोज 65,000 लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा। ये बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट है। इसमें कच्चा माल के रूप में मक्का और ब्रोकन राइस की जरूरत पड़ेगी। ये मक्का के किसानों के लिए एक सुलझ बाजार साबित होगा। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक संजय कुमार वर्मा के अनुसार इसके शुरू होने से रोजगार सृजन के साथ यहां के मक्का एवं धान किसानों को काफी लाभ मिलेगा। बिहार में कॉमन सिविल कोड की कोई जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश में कॉमन सिविल कोड लागू किए जाने की चर्चा के बीच अब बिहार में भी इसकी मांग उठने लगी है। हालांकि इन मांगों को अब उपेंद्र कुशवाहा ने खारिज कर दिया है। बीते दिन मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने जोर देकर कहा कि बिहार में कॉमन सिविल कोड लागू करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि जब यहां पहले से ही सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो क्यों इसमें छेड़छाड़ किया जाए। इस बाबत जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जब कोई समस्या ही नहीं है तो बिहार में कॉमन सिविल कोड की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। कांग्रेस में नहीं जाएंगे पीके। बीते कई दिनों से ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। यानी कि प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की संभावनाओं पर विराम लग गया है। कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक रूप से कहा गया है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया।
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मंगलवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। रणदीप सुरजेवाला ने पहले ट्वीट कर कहा कि प्रशांत किशोर के साथ एक प्रस्तुति और चर्चा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने एक अधिकार प्राप्त कार्य समूह 2024 का गठन किया और प्रशांत किशोर को जिम्मेदारी के साथ उस समूह के हिस्से के रूप में कांग्रेस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। हालांकि प्रशांत किशोर ने उससे मना कर दिया है। हम पार्टी को दिए गए उनके प्रयासों और सुझावों की सराहना करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी राज्यों के साथ होने वाली बैठक से पहले बिहार में कोविड 19 को लेकर बढ़ी सतर्कता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के साथ कोविड 19 के वर्तमान परिस्थिति को लेकर बैठक करने वाले हैं। हालांकि इस बैठक से पहले बिहार में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार इस बैठक से पहले बिहार में कोरोना को लेकर सतर्कता तेज हो गई। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब बिहार में भी अलर्ट स्थिति आ चुकी है। राज्य में सभी सिविल सर्जनों को कोरोना टेस्टिंग और टीकाकरण बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सभी सिविल सर्जन को अलग अलग स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को समय समय पर दिए जाने वाले ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। मुगल साम्राज्य का शासक बाबर ने 1526 में दिल्ली के सुल्तान को पराजित कर नया बादशाह वो बने थे। मुगल शासक मोहम्मद शाह 1748 में दिल्ली में निधन हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय ने महिलाओं को विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में पात्रता के लिए 1878 में पहली मंजूरी दी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2010 में भारत के नागरिकों की पहचान का एक बड़ा सबूत बनने जा रहे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को एक नया ब्रांड नाम आधार और नया लोगो पेश किया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पी सतशिवम का 1949 में जन्म हुआ। उत्तराखंड के सातवें मुख्यमंत्री हरीश रावत का 1947 में जन्म हुआ। 1930 में केरल के प्रसिद्ध समाज सुधारक टी के माधवन का निधन हुआ। 2010 में उड़िया फिल्म अभिनेता हेमंत दास का निधन हुआ। पैन इंडिया फिल्मों को लेकर अभिषेक बच्चन ने कही बड़ी बात। साउथ फिल्मों का खुमार इन दिनों खूब चढ़ा हुआ है। लगातार तीन फिल्म जैसे पुष्पा, आरआरआर, केजीएफ2 ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल दिखाया है। फिल्मों के जरिए साउथ के सुपरस्टार्स ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के लोग काफी तारीफ भी कर रहे हैं, तो वहीं बॉलीवुड पर सीधा निशाना साधा जा रहा है। लोगों का कहना है कि बॉलीवुड सिर्फ साउथ फिल्मों का हिंदी रीमेक ही बना पाता है। अब इस बात पर एक्टर अभिषेक बच्चन ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और बॉलीवुड के पक्ष में अपनी बात रखी है। एक्टर ने कहा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री का अच्छा समय चल रहा है। मैं कभी भी फिल्मों को किसी आधार पर जज नहीं करता हूं। अच्छी फिल्में अच्छा प्रदर्शन करती हैं और बुरी फिल्में खराब। इस वजह से उन्हें क्रिटिसाइज भी किया जाता है। मेरा मानना है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा कॉन्टेंट बना रही है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 26 अप्रैल को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 48,500 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 52,910 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 65,450 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 116.48 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 101.88 रुपए प्रति लीटर था। आरसीबी को 29 रनों से राजस्थान ने दी मात। आईपीएल 2022 के 39वें मैच में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 29 रनों से हरा दिया। आरसीबी के सामने 145 का टारगेट था, जिसके जवाब में टीम पूरे ओवर भी नहीं खेल सकी और 115 पर ऑल आउट हो गई। टीम का एक भी खिलाड़ी 25 रन तक का आंकड़ा पार नहीं कर सका। फॉफ डुप्लेसी टॉप स्कोरर रहे। आरआर की तरफ से रविचंद्रन अश्विन और कुलदीप सेन के खाते में तीन तीन विकेट गए। सैमसन की कप्तानी वाली टीम 12 अंक के साथ पॉइंट टेबल में पहले पायदान पर पहुंच गई है। राजस्थान ने 8 में से 6 मैच जीते हैं और 2 मैच हारे हैं। वहीं बैंगलोर की बात करें तो बैंगलोर 9 में से 4वां मैच हार रही है। टीम ने 5 मैच जीते हैं। इससे पहले टॉस हार कर बैटिंग करते हुए राजस्थान ने 8 विकेट खोकर 144 रन का स्कोर बनाया था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है कहकशां मजहबी, अरविंद कुमार, गौतम कुमार, ममता सिन्हा, मृत्युंजय कुमार, विकास बिहारी, रंजीत मिश्रा, ओम प्रकाश यादव, राज पासवान, कुश कुमार यादव, शंकर मुखिया, अमन कुमार, सोमू कुशवाहा। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार बिहार के किस खिलाड़ी ने बिहार का सबसे ज्यादा मान बढ़ाने का काम किया है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।